जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में पोषण समिति की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में परियोजना निदेशक राम सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 1 सितंबर से मनाए जाने वाले पोषण माह के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया कि कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर के थीम के साथ 1 सितंबर से पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे सितंबर माह के प्रत्येक सप्ताह की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह अलग अलग विषयों पर कार्य किया जाएगा तथा जनपद को कुपोषण मुक्त बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा, फिर हर जगह पे सीडीपीओ को आपके नर्सरी का नंबर दोगे और वहाँ से वो सप्लाई हो जाएगा। नरेगा के वीडियो और ये पर्याप्त मात्रा में टीम है हर गांव में दो या उन बच्चों को आप क्या करेंगे, ये आपने पिछली बार चर्चा की थी, याद है क्या करना है बच्चों को? सामुदायिक सहभागिता, उन बच्चों को हर महीने ट्रैकिंग, जैसे खुल गया पोषण सप्ताह हम लोग हर साल में सितंबर माह को मनाते हैं। 1 सितंबर से लेकर के हमारा कार्यक्रम इसमें स्टार्ट होगा और इसमें जो थीम है हम लोगों का कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर, इस थीम पे हम लोग इस बार कार्रवाई करेंगे और इसमें 4 सप्ताह को हमारे डिवाइड किया गया है कार्यक्रम के आधार पे। पहला सप्ताह हमारा जो है वो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलेगा, पोषण वाटिका और पौधारोपण का कार्यक्रम इसमें होगा जो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में जहाँ भी जगह है वहाँ चिन्हित करके और हम लोग वहाँ पे पोषण वाटिका लगाएंगे। इसमें हम लोग को सहयोग करेंगे बीएसएस साहब, डीआईएस साहब और डीएचओ साहब से हम लोग सहयोग लेंगे और इसको कराएंगे। दूसरा सप्ताह जो है 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये सुपोषण के लिए योगा एवं आयुष का महत्व जो है इस पर कार्यक्रम होगा। इसमें हम लोग वेबिनार कराएंगे, एक राज्य स्तरीय वेबिनार होगा और यहाँ जिले से भी आयुष अधिकारी के माध्यम से हम लोग ये योगा का ट्रेनिंग सबको दिलाएंगे और इसके महत्व को बताया जाएगा सभी लोगों को। तीसरा जो है स्थानीय खाद्य पदार्थ जो हैं उनके आधार पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे और जो उसके पोषण थाली है, पोषण तस्तरी है, इस तरह का बना करके एक प्रतियोगिता कराएंगे और उसमें हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये थीम है और इस तीसरा सप्ताह हमारा इस पर रहेगा। इसी के साथ चौथा जो सप्ताह हमारा है वो सैम एम बच्चों का चिन्हांकन पे है। हम लोग ऑलरेडी चिन्हांकन किए हैं लेकिन उसको और स्ट्रेंथिंग करना है और बच्चों को हम लोग जितना ढूंढ सकते हैं सैम एम को उसको ढूंढेंगे, उनका प्रबंधन कराएंगे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और समाज के माध्यम से उनको जोड़ करके और हम उनका प्रबंधन कराएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 सप्ताह में हमारा कार्यक्रम होने वाला है। इसी के संबंध में आज बैठक आयोजित की गई थी, जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये बैठक ली गई है, उनके द्वारा इन सब विषयों पर निर्देश जारी किया गया है। उन निर्देशों का हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और पोषण जो माह है उसको सफलतम रूप से मनाएंगे।